राजस्थान के बूंदी जिले के कापरेन क्षेत्र में एक पिता पर अपनी बेटी से रेप का मामला सामने आया। आरोप लगे हैं कि पिता ने अपनी ही 11 वर्षीय नाबालिग बेटी का 2 सालों से दैहिक शोषण कर रहा था। पीड़ित बालिका द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ केशव राय पाटन DSP के साथ शिकायत की। वहीं कापरेन थाने पुलिस ने आरोपी पिता के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे डिटेन कर घटना की जांच शुरू कर दी। बूंदी जिले के उपखंड के कापरेन थाना क्षेत्र के गांव में हैरान करने वाला मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र की एक नाबालिग ने थाने पहुंचकर अपने पिता पर करीब 2 वर्षों से देह शोषण करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने नाबालिग पीड़िता की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पुलिस उपाधीक्षक शंकरलाल मीणा ने बताया कि क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका ने शिकायत की कि उसका पिता ही 2 वर्षों से उसका देह शोषण कर रहा था। पीड़िता की मां जब वो 1 वर्ष की थी तब भी नाते चली गई थी, उसका बेटी से कोई संपर्क नहीं था। बूंदी के DSP शंकरलाल मीणा ने बताया कि मां के जाने के बाद से नाबालिग व उसका पिता ही घर में रहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट DPK न्यूज़।